क्या है वो सोल पीस प्राइज जो पीएम मोदी को मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में प्रतिष्ठित सोल पीस प्राइज दिया गया है। इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो नोबल अवार्ड्स के बाद दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में माना जाता है। इस प्राइज को 1990 में स्थापित किया गया था। दरअसल इस प्राइज की शुरुआत दक्षिण कोरिया में 24वें ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की याद के तौर पर की गई थी। इसमें दुनिया के 160 देशों ने हिस्सा लिया था। ये पिछले कई दशकों के सबसे सफल ओलंपिक खेल के तौर पर माना गया था। ये माना गया कि इस ओलंपिक खेलों के जरिए दुनिया में सौहार्दता और दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कोरियाई लोगों ने इस अवार्ड को शुरू किया ताकि ये संदेश जाए कि कोरिया दुनिया भर में शांति का अभिलाषी है और इसके लिए काम करता रहेगा। साथ ही शांति के लिए बढ़िया काम करने वाली एक हस्ती को हर साल सोल पीस प्राइज भी दिया जाएगा। इस प्राइज के लिए 1100 लोगों को किसी एक शख्स को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जाता है। इस ग्रुप में 300 कोरियाई लोग और 800 अंतर्राष्ट्रीय लोग होते हैं। इस अवार्ड के विजेता को एक प्रमाण पत्र, एक प्लेट और सम्मान के तौर पर $2,00,000, करीब 1.42 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पहला सोल पीस प्राइज 1990 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष जुआन अंतोनियो समाराज को दिया गया था। इसके बाद इसे पाने वालों में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार इलाही और यूएन के पूर्व महासचिव घाना के कोफी अन्नान शामिल हैं। इस साल मोदी को ये सोल पीस प्राइज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में बेहतर काम, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में उल्लेखनीय काम और भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए दिया जा रहा है। वो पहले भारतीय हैं। इसके अलावा उन्हें पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा उन्हें सऊदी अरब, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिए जा चुके हैं। मोदी को टाइम के एशिया संस्करण ने कवर पेज पर जगह दी थी। ये सम्मान बहुत कम भारतीय नेताओं को मिला है। इसके अलावा टाइम ने उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में भी छांटा। 2014 और 2016 में टाइम ने उन्हें पर्सन ऑफ ईयर चुना। साथ ही टाइम पत्रिका ने उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया के 9वें सबसे ताकतवर हस्ती के रूप में चुना। ब्लूमबर्ग ने भी 2015 में उन्हें दुनिया का 13वां असरदार शख्सियत माना। 2015 में उनकी मोम की प्रतिमा लंदन के मैडम तुसादे म्यूजियम में लगाई गई। वर्ष 2018 में मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च एनवायरमेंट पुरस्कार चैंपियन ऑफ अर्थ से नवाजा गया, जो उन्हें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में काम के लिए दिया गया।